हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग्स में। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे। दोस्तों, तो बस अभी जो है ना, देखो दोस्तों, बच्चे वगैरह सब बर्तन वर्तन गिरा रहे हैं एंड दोस्तों, और जो है ना दोस्तों, अभी जो है हम वो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करें दोस्तों, क्या हो बेटा? ओ मम्मी ने मारा अभी इसके में, ऐसे कैसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे बच्चे किस तरह से रो रहे हैं आप देख सकते हैं। होता है बेटा, क्या हुआ बेटा? होता है मम्मी मारा तेरी तो। हाँ, अभी देखो दोस्तों, ये ना अपने मम्मी से रूठ के मेरे पास आए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना यहाँ पे काम चल रहा है, आप देख सकते हैं ये कुटाई का काम चल रहा है और इसमें है मेथी। और दोस्तों, अब हम आगे क्या बनाने वाले हैं वो आप पूरा वीडियो में देखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये अभी तैयारी हो रही है, इसमें नीचे मेथी कटिंग की है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आटा मिला रहे हैं और नीचे मेथी और क्या, बस सिर्फ मेथी है दोस्तों, मेथी और हरे धनिया। ओ तेरे को क्या हुआ बेटा? देखो दोस्तों, अभी इसका सर्दी हो रही है तो अभी जो दोनों भाई बहन खा रहे हैं। बड़ा खा रहे बेटा? अच्छा, खा लेना है ना, तो गरम नहीं खाना है, नहीं खाना, नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, इसको नींद आ जाएगी पहले, इसलिए खा लेते हैं, जब दोपहर पे खाया है तो तब ये पहले खा लेते हैं। और तू क्यों रो रहा है? तुझे भी खाना है? देखो दोस्तों, ये जाएगा, आ जाएगा, जाएगा कहाँ जाए? तो ये सब मिला रहे ना, आजा आजा बेटा। हेलो दोस्तों, अभी जो है ना फ्रेंड्स, अभी जो आटा है वो बांध लिया है, पूरा गूंथ लिया गया है। तो अभी तो ये ऐसे, मतलब जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें मसाला डाल के और मेथी वेथी डाल के है ना दोस्तों, इसको अच्छे से गूंथ लिया जाता है बस, और पकाने का ढंग अलग होता है गाइस, एंड गूंथना तो एक ही देखो। तो दोस्तों, अभी है ना इसको ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वणवा, इसको ऐसी गोल गोल बनाई जा रहे हैं। और दोस्तों, ये है यहाँ पे दोस्तों, उसको पलट ले, पलट ले, पलट ले। तो फ्रेंड्स, मैं अभी टेस्टिंग करने वाला हूँ, कैसे है ना, बढ़िया एकदम मस्त है, क्यों लगे बेटा? मस्त लगी, दूसरी उतर गई। और उसकी मैं है ना दोस्तों, ज्यादा तेल नहीं लगता है, बस इतना ही, बस खाली घुमाना पड़ता थोड़ा थोड़ा तेल, बाकी बिना तेल की रोटी बहुत बढ़िया मस्त बनती है। इसलिए तेल डाला, इसमें चिपकाया जाता है दोस्तों, ताकि जले ना रोटी, इसीलिए है ना, है ना जी, तो ये जले ना, इसलिए इसको तेल उसके ऊपर मालिश किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे बनती है ये मेथी की रोटी परोठा, और काफी बढ़िया है। हाँ दोस्तों, सर्दी के मौसम में खाना बहुत अच्छा होता है ये, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और हरे हरी चीज खाना बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसको पलटा रहे हैं अभी है ना, इसके साथ खाने के लिए है ना सब्जी भी बनानी पड़ेगी। तो सब्जी में ये है ना, ये पोता वाला के जरिए ऐसे ऐसे घुमा दू, मैं घुमाऊ 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 घुमाऊ, कैसे हुआ ना, बढ़िया। ले आज तो मैं सब्जी को तड़का लगाता हूँ ना, मस्त तेल। तो फ्रेंड्स, अभी दोनों तैयार हो चुके हैं, ये है वो परोठा और इसको ये मेथी वाली सब्जी बोला, मेथी वाली रोटी बोलते हैं। और दोस्तों, ये है टमाटर की सब्जी, हो गई है कंप्लीट है ना फ्रेंड्स। तो अभी मेरे लिए परोसने के लिए थाली में डाल रही हैं, बस 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 इतना ही खाऊंगा, है ना, उधर रख दो। तो दोस्तों, अभी मैं खा लेता हूं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप सबको सबको कैसा लगा दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप भी ऐसी है ना दोस्तों, ठंडी की मौसम में ये खाना बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ तो हम नहीं बना सकते, इसमें ना ज़्यादा कुछ खर्चा आता है ना कुछ नहीं, बस इसमें मेथी डालनी पड़ती है और बस तेल भी थोड़ा बहुत, जैसे 50 ग्राम में तो इसमें ढेर सारी रोटियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा खाना बहुत बढ़िया होता है और
सेहत के लिए भी हानिकारक, मतलब मस्त होता है दोस्तों, है ना बेटा, मस्त होता है। तो दोस्तों आज कल लोग यही खत्म करता है ना, है ना दोस्तों, आज कल लोग यही खत्म करते हैं और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।